हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्येक टीच 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स का एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि है डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। चलिए तो देख लेते हैं व्युत्पत्ति। आपको सबसे पहले लिखना है आइंस्टाइन के समीकरण से, टाइम के समीकरण से। तो आप लोगों को तो पता ही होगा आइंस्टाइन का समीकरण क्या होता है। तो चलिए लिख लेते हैं समीकरण E = mc². तो इसको आप लोग दे दीजिए समीकरण एक। चलिए तो देख लेते हैं सेकंड। तो आप लोगों को सेकंड लिखना है प्लांक समीकरण से, प्लांक के समीकरण से। तो आप लोगों को प्लांक का समीकरण भी पता होगा, जो होता है E = hν। इसे दे दीजिए आप लोग समीकरण दो, और फिर कुछ नहीं करना है, आप लोगों को लिख देना है समीकरण एक व दूसरी, समीकरण एक व दूसरी। तो समीकरण एक व दूसरी पक्ष बराबर हैं, तो इसलिए निकल आएगा mc² = hν। चलिए तो mc² जो ये न्यू है, न्यू बराबर होता है न्यू, चूंकि हम जानते हैं कि न्यू बराबर होता है c/λ। ये एक सूत्र होता है जो कि लैम्डा न्यू की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसे न्यू की जगह पर ये लिख देती हैं mc² c/λ। चलिए तो हमारा आ जाएगा mc = hν। एक सी से एक सी जे कट गया, और ये हमारा आ गया h/λ, mc = hν। चलिए तो देख लेते हैं आगे। तो ये हमारा यहाँ पर, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर mc की जगह पर हम लिख सकते हैं ना लैम्डा बराबर, और ये mc को लिख सकते हैं लैम्डा की जगह पर h/mc। चलिए तो हमारा यही हमें सिद्ध करना था। तो ये mc जो होता है संवेग, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। चलिए तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ना p, तो चलिए लिख देते हैं p h/p। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा बिल्कुल सिद्ध हो चुका है सिद्ध। आप लोगों को लिख देना है यहाँ पर यही डी ब्रॉगली समीकरण। चलिए तो हमारा ये सिद्ध हो चुका है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू।